पंजाब में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिला कपूरथला गांव कोट करार खान से पिछले दिनी एक युवक अब्दुल शेख 17 वर्षीय की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब दूसरा मामला जिला कपूरथला के हल्का फगवाड़ा के LPU यूनिवर्सिटी की छात्रा को कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है, जिन्हें जिला कपूरथला सेहत विभाग की ओर से सरकारी हॉस्पिटल कपूरथला के ICU वार्ड में उपचार के लिए आइसोलेट किया गया है। जानकारी के अनुसार फगवाड़ा में पढ़ती लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर फिजियोथेरेपी की छात्रा नीतू चौहान के सैंपल लिए गए और युवती पॉजिटिव पाई गई। युवती की आयु करीब 21 वर्ष बताई जा रही है। वह महाराष्ट्र की रहने वाली बताई जा रही है। वह पिछले दिनों 2 माह से लवली यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में पढ़ रही थी। लगातार खांसी जुकाम बढ़ने पर युवती के मेडिकल सैंपल लिए गए तो पॉजिटिव पाई गई। केस आया हुआ कोरोना पॉजिटिव ने लेके, सारा की मामला सी? एक बच्ची है जी जड़ी की LPU दी स्टूडेंट है, जी रहन वाली मुंबई दी है और हॉस्टल से रह रही थी और वो दे थोड़ी देर खांसी और ब्रेथ लेनेस की प्रॉब्लम सी। फिर वह 2 दिन पहले वह टेस्ट लिता गया सी और उसने टेस्ट जी कोरोना कोविड पॉजिटिव आया जी और इस करके उन्हें कल शामी आइसोलेशन हॉस्पिटल कपूरथला के शिफ्ट किया गया। सर की हालात की है पेशेंट के? बच्ची ठीक ठाक है जी और अपना नॉर्मल हैगी, सिर्फ उन्हें क्वारंटाइन और वास्ते रखा गया, उन्हें कोई खास कोई सिम्टम है नहीं इस वे कि रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करेगी, साढ़े सारे डॉक्टर उन्हें देखभाल कर रहे और टीम राउंड द क्लॉक उत्थे तैनात। कपूरथला से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।